तो ना तो तुम्हें रुआब में जीना है, ना ही तुम्हारी कोई इज्जत है, ना ही तुम्हारी कोई ईगो होनी चाहिए। कुछ नहीं है तुम्हारे पास बेटा, कुछ नहीं है तुम्हारे पास, और ना ही तुम अच्छा इंसान बनके कुछ कर पाओगे, है ना। अच्छा इंसान को, रुआब को, इन सबको कुछ नहीं मिलता सोसाइटी में और जीवन में। अगर मिलता है किसी को तो अच्छे सक्सेसफुल इंसान को मिलता है। तो पहले सक्सेसफुल हो जाओ, सेल्फिश हो जाओ। आज मैं अगर तो पता नहीं क्यों मैं बोलने लग गया, मैं तो आया था पढ़ाने, लेकिन दो तीन बातें आपको बता देता हूं। सबसे पहले जो तुम्हें जीवन में काम करने है ना, अगर तू एमआर को कुछ मानता है तो सबसे पहला बात कि आज से फर्स्ट पॉइंट तू सेल्फिश हो जा अपने पढ़ाई को लेके, सेल्फिश हो जा अपने पढ़ाई को लेके। आज अपने घर में मम्मी पापा को, भैया बहन को, बुआ आंटी को बोल दे आज से हमारा और तुम्हारा रिश्ता खत्म, सारे रिलेशन तोड़ दो, सारे रिलेशन तोड़ दो। अगर तुम सक्सेसफुल होना चाहते हो तो सारे रिलेशन तोड़ दो। तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशन ही पढ़ाई खराब करता है? नहीं, ये सारे रिलेशन पढ़ाई खराब करते हैं। अच्छा सर, ये संडे वाला मोटिवेशन बचा था वही ले रहे हो क्या? नहीं बेटा, मैं कोई मोटिवेशन लेने नहीं आया था, मैं तो बस ऐसे ही आया, पता नहीं बात मुंह में दिमाग में आ गया तो कहने लग गया। आज से घर वालों से कह दो कि मेरा और आपका रिलेशन सिर्फ है एक साल तक, ना तो मैंने दिन देखा ना रात, लगातार पढ़ा। समझ में आया कि नहीं? लगातार पढ़ा। तो कुछ पाने के लिए आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है ना, थोड़ा सा पेन लेना पड़ेगा। और किसी पे भी ब्लेम डालने से पहले, चाहे वो आपका टीचर हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे आप खुद हो, सबसे पहले आप अपने बारे में सोच ले कि आप अपना 100% दे रहे हैं। आप देख के चीजों को नहीं समझ सकते हैं, आप पहले पढ़ ले, फिर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप वहां पे प्रैक्टिस करें, उसको सीखे, है ना, डाउट पूछे, ये पूरा प्रोसीजर है ना, पूरा मेहनत करें पहले। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। देखो, तुम बहुत बड़ा काम तभी कर पाओगे जितना बड़ा तुम्हारा सेक्रीफाइस होगा, है ना। तो चीजें छोड़ना पड़ता है, सिर्फ ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला ही मामला नहीं, घर वालों से भी रिश्ता तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सारे रिलेशन तोड़, तो सबसे पहले क्या है कि सेल्फिश बन जाओ, मतलब सेल्फिश वाला ही पॉइंट था बस ये, पहला पॉइंट है सेल्फिश बन जाओ। सर दूसरा क्या है? दूसरा है कि कोई भी न्यूज़पेपर, टीवी, मैं तुम्हें बता दूं कि 12th के बाद जब मैंने ड्रॉप किया था, मैंने आज तक न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा। तो मैं शायद भरोसा ना हो, सच बता रहा हूं, जब से मैंने ये सोचा ना आज से मैं पढ़ूंगा, उसके बाद से मैंने कभी न्यूज़पेपर पढ़ा ही नहीं। ये डॉक्टर बनना, तुम्हारा डॉक्टर बनना भैया काम आएगा क्या 10 साल बाद? कि तुम्हारा डॉक्टर बनना काम आएगा भैया काम आएगा कि तुम्हारा डॉक्टर बनना काम आएगा, ये बता।